आईजीएमसी अस्पताल शिमला में 600 स्टाफ नर्स और 43 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट शीघ्र ही तैनात होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिन इसकी घोषणा की है। आईजीएमसी अस्पताल में 600 नर्सों की तैनाती से काफी बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल में नर्स की काफी कमी चल रही थी, मरीजों की उचित देखभाल नहीं हो पाती थी। वहीं अब सरकार द्वारा नर्स की तैनाती की घोषणा से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा नर्सों की तैनाती पर नर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आज हमारा कमेटी रूम में जो आईजीएमसी कमेटी रूम में जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और रिगार्डिंग थी कि जो हमारे यहाँ पे स्टाफ नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ जो डिप्यूट किया गया है सरकार की तरफ से जो हमारे को दिए गए हैं इतने सारे उसके लिए धन्यवाद करने के लिए हमने ये रखा था। तो हम 600 नर्सिस हमारे को दी गई है आईजीएमसी में और हम सीएम साहब का और हेल्थ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और हेल्थ सेक्रेटरी मैडम का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे एमएलए हैं लोकल आईजी यहाँ के शिमला के जनार्था जी उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और सीपीएस सर संजय अवस्थी जी का उनका भी धन्यवाद करते हैं हम कि आईजीएमसी में हमारी इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद सरकार ने हमारी इस डिमांड को समझा और क्या बोलते ज़रूरत को समझा कि यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है। और मैं आईजीएमसी प्रिंसिपल का भी धन्यवाद करूँगी, एमएस सर का धन्यवाद करूँगी कि और हमारी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स है मैडम सुनीता गर्ग मैडम और नीना शर्मा मैडम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि इन लोगों ने इतनी शॉर्टेज में आईजीएमसी की जो सेवाएँ थी वो सुचारू रूप से चलाई रखी, इतनी शॉर्टेज होने के बावजूद चलाई रखी, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एडमिट तो यहाँ पे एक दिन में 1000 से ऊपर ही हो जाती है, ओपीडीज और इंडोर भी इतने रहते हैं हमारे पास, तो हमें बहुत फ़ायदा है सर। अभी तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमारी चल रही है, अकॉर्डिंग टू आईएनसी तो हमारा कंप्लीट अभी भी नहीं हो पाएगा, बट चलो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे को इससे बेनिफिट है, हमारे पेशेंट को अच्छी केयर मिलेगी। इतनी नर्सिस अगर यहाँ आ जाती है तो पेशेंट को बहुत अच्छी केयर मिलेगी। हर डिपार्टमेंट में नर्सिस जिस भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा शॉर्टेज है, बड़े डिपार्टमेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है इस चीज़ की। जो हमारे यहाँ आईजीएमसी के इस कमेटी हॉल में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मेन मुद्दा सरकार को धन्यवाद करना था। सरकार ने जो अभी हाल ही में जो सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई थी उसमें हमारी आईजीएमसी को 600 जो नर्सिस देने का उन्होंने आश्वासन दिया है उसके बारे में धन्यवाद प्रस्ताव जो था आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को दिया है हमने। इसके अलावा जो 43 OTAs की भी उन्होंने दिए हैं आईजीएमसी के लिए उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सीपीएस अवस्थी जी और हमारे जो लोकल एमएलए है हरीश जनार्था जी उनका धन्यवाद करते हैं। हम गदगद है कि हमारी जो आईएनसी की जो नॉर्म्स है उसको अगर ये 600 नर्सिस आ जाती है तो हमारे जो है ये नॉर्म्स भी फुलफिल हो जाते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के। आपको बता दें कि आईजीएमसी अस्पताल शिमला में 600 स्टाफ नर्स और 43 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट शीघ्र ही तैनात होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों इसकी घोषणा की है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा नर्सों की तैनाती पर नर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। पंजाब के सी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।